नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे क्यूएस 13 के ऊपर, हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं और क्यूएस 13 में जो जो नया कुछ है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, आज एक हम लोग ऐसा चीज़ सीखेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं, सर हमको अरेंजमेंट सीखना है। तो अरेंजमेंट सीखने के लिए एक कंसेप्ट होना चाहिए, और देखिए म्यूजिकल कंसेप्ट होना चाहिए एक नंबर पॉइंट, और दो नंबर पॉइंट कीबोर्ड अच्छे से आना चाहिए। मतलब कीबोर्ड प्लेयर बहुत आसानी से एक अरेंजमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। गिटार प्लेयर भी कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे, जैसे कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो नहीं कर सकते, बट कीबोर्ड प्लेयर का पास ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कीबोर्ड में बहुत सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए आज एक अरेंजमेंट का छोटा सा पार्ट हम लोग देखेंगे। जैसे कि पुराना वाला कीबोर्ड में हम लोग जो जब यूज़ करता था, जैसे कि XP80, XP60, XP30, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग पैटर्न था जिसमें हम लोग दो टाइप का रिकॉर्डिंग कर सकते थे। तो दो टाइप का रिकॉर्डिंग क्या है? एक रियल टाइम रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई वोकल रनिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको रियल टाइम बोलते हैं। और ये रियल टाइम ओनली एनालॉग में नहीं होता है, मीडी में भी होता है, मतलब डिजिटल में भी होता है, दोनों में ही होता है रियल टाइम रिकॉर्डिंग। और दूसरा एक रिकॉर्डिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप रिकॉर्डिंग। स्टेप रिकॉर्डिंग, तो स्टेप रिकॉर्डिंग हम लोग मीडी में करते हैं, मतलब डिजिटली होता है, डिजिटली होता है। और रियल टाइम रिकॉर्डिंग एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही होता है। तो स्टेप रिकॉर्डिंग उस टाइम में हम लोग करता था QS60, सॉरी XP60 में, XP80 में, तो उसके अंदर स्टेप रिकॉर्डिंग था। पुराना वाला कुछ सैम्पलर्स था जिसमें हम लोगों को स्टेप रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, ठीक है। नॉर्मली सैम्पलर्स क्या काम करते हैं? सैम्पलर्स काम करते हैं क्या, जैसे कि ये एक सैम्पलर है, ठीक है। तो इसके अंदर जब कोई भी ऑडियो आप लोग लोड करोगे, ये वेब फाइल, कोई भी वेब फाइल अगर लोड करोगे, तो ये क्या करेगा, कीबोर्ड के अंदर वो सजा देगा। अभी ये जो वेव का जो आउटपुट, मतलब हम लोग कीबोर्ड से जब हम लोग प्ले करेंगे तो उसका एक मीडी नोट आएगा, मतलब वो मीडी नोट पर्टिकुलरली वो वेब फाइल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर वो वेब फाइल को खींच रहा है। जैसे कि अगर हम लोग सी बजाएंगे तो सी के लिए जो प्रोवाइडेड जगह है, तो वो जगह में जो साउंड दिया हुआ है वो साउंड आएगा। ये होता है पुराना सैम्पलर पैटर्न का यूजेस। अभी आज हम लोग देखेंगे रियल टाइम रिकॉर्डिंग नहीं है, आज हम लोग देखेंगे स्टेप रिकॉर्डिंग। तो हम छोटा सा एक ले लेते हैं क्या नया चीज़ है स्टेप रिकॉर्डिंग। हम लोग QS 12 में भी कर पाते हैं, QS 10 में भी होता है, QS 11 में भी होता है, मगर QS 13 के अंदर नया क्या है ये देखने के लिए हम लोग स्टेप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो छोटा सा जगह चेक कर लिया, हम डबल क्लिक किया, इसके बाद हम लोग इसको ओपन कर लिया। जैसे कि हम लोगों का ये पर्टिकुलरली एक जोन ले लिया, ठीक है, एक जोन ले लिया, वो जोन का अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये छोटा सा भी जोन ले सकते हैं हम लोग इसको, हाँ ये कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं। स्टेप रिकॉर्डिंग के लिए हम एक लिए है बहुत ही पॉपुलर एक इंस्ट्रूमेंट का लाइब्रेरी जिसका नेम है आइकोनिका। आइकोनिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइब्रेरी, एक आइकोनिक एंसेम्बल्स होता है, इसके अंदर बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है। हम कोई भी टाइम पर एक इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल देंगे, मगर इसका सबसे अच्छा जो चीज़ है, इसका जो सिंफनी, जैसे कि जो लोग बैकग्राउंड साउंड करते हैं, जैसे कि सस्पेंशियल कुछ साउंड, कुछ मेलोडी, कुछ जैसे कि हम लोग डिमनिस्ट लगा के कुछ सस्पेंशियल साउंड जब करते हैं, नहीं तो कुछ ड्रीम टाइप का कुछ हो रहा है, तो ये सिचुएशन बेसिस में आइकोनिका इसका इसका बहुत सारा सैम्पल्स है, इसका बहुत सारा पार्ट है, बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर हम लोग एक एक जस्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो करते हैं कोई एक सस्पेंशियल म्यूजिक में जो करते हैं, उस टाइप का कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, देखिए ये हम लोग बज रहा है, बज रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, आइकॉनिका का लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए
ठीक है। अभी देखिए नया क्या दिया है। पहला बात हम लोग बोलना चाहते हैं स्टेप रिकॉर्डिंग। स्टेप रिकॉर्डिंग के लिए ये जो बटन, ये जो पर्टिकुलर जो जगह हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये जगह ये होता है स्टेप रिकॉर्डिंग। मतलब ये बटन को एक्टिव करने से स्टेप इनपुट होता है, ये बटन को मीडी इनपुट होता है, और दूसरा जो बटन है हम बोल रहे हैं, पहले तो आप लोगों को बटन मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या है इधर अगर राइट क्लिक करेंगे तो इतना सारा अगर ये स्टेप रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो बटन अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा मतलब इसमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो चेक नहीं होगा तो वो ये बटन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसको इनेबल डिसेबल करते रहिए। जैसे कि इंसर्ट वेलोसिटी अगर करेंगे तो इंसर्ट वेलोसिटी बटन आ गया। उसके बाद टोटल बटन, टोटल बटन्स जो है इसको हम लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग इनेबल करेंगे। स्टेप इनपुट होता क्या है, अगर हम लोग 16 क्वांटाइज में जाएंगे तो इसका साथ साथ देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लू एक लाइन इसका साथ साथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है 1/16 क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन का बेसिस में फॉलो कर रहा है। तो अभी हम अगर कुछ बजाए तो इसका क्या होता है, 1 2 3 ऐसा कुछ किया है तो इधर आ गया, एक नोट एक्स्ट्रा हो गया। इसको अगर हम लोग चलाए तो हम चला सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ ये नहीं करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग इसको क्वांटाइज करना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। जो क्वांटाइज होगा स्लोली हम लोग बजाएंगे तो उसका हिसाब से ये क्वांटाइजेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्वांटाइज में ही आएगा। अभी मान लीजिए हम लोग करते हैं ना, कभी कभी भी इसको थोड़ा सा, इसको स्टेप को ऑफ करके ये वाला नोट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, ये हम लोग कर सक मतलब कभी कभी करते हैं, ये थोड़ा बढ़ा दिया तो ऐसा टाइप का लगेगा, ठीक है। अगर हम लोगों को लगेगा तो ये स्ट्रिंग्स का सस्टेन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हम लोग डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, ये हम लोग क्लिक करेंगे, इसको स्टेप को इनपुट इनेबल करेंगे, इधर लेके आएंगे, कोई भी एक नोट को होल्ड करके, अगर कीबोर्ड का जो वर्चुअल कीबोर्ड में हम दिखा देते हैं ऑन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्लस एरो, एरो बटन को, ए वाला बटन को अगर हम लोग प्रेस करके रखेंगे तो वो नोट थोड़ा सा बड़ा होगा कम होगा। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल, इतना दूर हम लोग रखा है तो इतना दूर रखा है तो इतना दूर तक चलेगा। तो हम लोग देखिए जो स्टेप इनपुट में क्या होता है, पहले तो आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक नोट मारने के बाद इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है, नहीं तो इसको रखना है, नहीं तो इसको थोड़ा सस्टेन बढ़ाना है, नहीं तो कम करना है, ये हम लोग कर सकते हैं, कीबोर्ड से ही हो जाएगा। हम लोगों को अलग करके क्वांटाइजेशन को थोड़ा सा कुछ कुछ नोट को सिलेक्ट करके बढ़ाना कम करना ये नहीं, मतलब ये नहीं करने से भी चलेगा, मतलब हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद और एक बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे कि हम इसको एक बजा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 ऐसा दिया है। अभी देखिए इसका साथ साथ हम कुछ डबल नोट बजाना चाहते हैं, जैसे कि ऐसा टाइप का नोट बजाना चाहिए जो बेस बेस में भी हो सकता है, नहीं तो इसका साथ साथ कुछ डबल नोट हम लोग प्ले करेंगे। तो पहले होता क्या था, स्टेप इनपुट करके अगर हम लोग कोई दूसरा नोट को बजाए तो वो वाला नोट का साथ साथ ए वाला नोट आ जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप रिकॉर्डिंग इनेबल रहेगा, उसके बाद मिडी इनपुट हम लोग इनेबल करेंगे, उसके बाद ये जो है नोट एक्सप्रेशन मिडी इनपुट इसको हम लोग इनेबल करेंगे, और इसको भी सॉरी इसका एक लॉक बटन है। हाँ अभी इसको पहला का नोट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एक मिनट, इसका लॉक एक बटन होता है, इसको थोड़ा सा ऑफ कर दे, ये वाला, इसको पहले स्टेप इनपुट करते हैं, पहले का नोट सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी इसको हम लोग लॉक कर देते हैं।
इसको लॉक कर देता है करके हम लोग इसको मतलब पुराना वाला जो नोट है इसको चेंज नहीं करेंगे, नया वाला नोट में हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो मिडी नोट है मतलब मिडी इनपुट जो है इसको इनेबल रखेंगे। उसके बाद इधर जो चार ऑप्शन है जैसे कि मूव इंसर्ट मोड, ये लेस सेकेंड ऑप्शन जो है रिकॉर्ड पिच इसको इनेबल रखेंगे और वेलोसिटी को ऑफ कर देंगे। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी ऑन वेलोसिटी हम लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये वाला बटन इनेबल होना चाहिए तभी इसका हारमोनी हम लोग बजा सकते हैं। तो इधर हम लेके आ रहा है एकदम फर्स्ट में लेके आ रहा है इसको, इधर इधर आ रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट नोट को सिलेक्ट कर रहे हैं ठीक है, उसका साथ साथ हम लोग हारमोनी नहीं इसका साथ डबल नोट प्ले कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बजा के देखते हैं क्या बज रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लूप में डाल देते हैं। इसका साथ हम लोग कुछ एक ए भी रख सकते हैं जैसे कि मिडी इनपुट करके, स्टेप इनपुट करके हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा बेस कुछ रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेस ऐड कर दिया, नीचे में आया है नोट, हम लोग बजा के देखते हैं अभी इसको। अभी दूसरा इसको इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता है, इसके बाद इसको हटा देता है, इसका साथ साथ दूसरा कुछ ऐसा कुछ टोन्स लगाते हैं जो टोन्स जैसे कि कुछ इस टाइप का देख लेते हैं किस टाइप का टोन है इसका। इसको थोड़ा सा ऐसा करके लेवल बढ़ा के कुछ रिकॉर्डिंग कर देते हैं इसका साथ साथ। अभी इसका साउंड थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा लेवलिंग को एडजस्ट करेंगे, इसको लेवलिंग को ऐसा करके थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, अभी चलाते हैं। हम लोग एक और भी एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इसको ग्लू कर दिया, इसका अंदर से थोड़ा सा टोन को चेंज करके दूसरा कुछ डालते हैं, जैसे कि इसका दूसरा वाला देखते हैं फिक्स वाला। इसका थ्रिल स्ट्रिंग्स ए वाला देखते हैं, मतलब इसका बहुत सारा टोन्स है, इसको हम दूसरा टोन कर सकते हैं, दूसरा टोन करके इसको लगा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा होता है जो मिडी कीबोर्ड से तो आप लोग बजाओगे तो ये पूरा ऊपर का जो एक्सेंट है सब कुछ, मतलब इसका जो आर्टिकुलेशन है सब कुछ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब सब कुछ का एक्सेस कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और इसका टोनल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। हम इसको पीजी कट मोड में अगर जाएंगे थोड़ा सा हम लोग वेलोसिटी को ठीक है, हम ऐसा करके इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, इसका पीजी कट ऑप्शन को रखते हैं।
इसका पीजी कट अभी आ गया है, इसको हम लोग नीचे भी नवा सकते हैं, नीचे नीचे करके दूसरा इसमें हेलियन सोनिक का जो है इसका इसका लेवल करके इसके क्वांटाइज में लगा के हम लोग बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी का चीज़ बना सकते हैं फॉर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड है, अगर हम लोग कोई ड्रम बजाना चाहते हैं तो ऐसा करके हम लोग ड्रम रिदिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत मतलब इसके लिए उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक थ्योरी पूरा जानना पड़ेगा। म्यूज़िक थ्योरी जानना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या है इसके अंदर ऑलरेडी कॉर्ड का पूरा टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, इसका फैमिली क्या है, कॉर्ड्स मेन रूट कॉर्ड का फैमिली क्या हो रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये स्टेप इनपुट का नया जो चीज़ है जो हम दिखाया है आप लोगों को अभी, तो ये वाला चीज़ जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉक वाला फीचर्स है बहुत अच्छा है। इसका बेसिस में मतलब मेन नोट का बेसिस में आप लोग हारमोनी नोट बना सकते हो, मेन नोट का बेसिस में आप लोग दूसरा कुछ नोट डाल सकते हो। और ये जो हम लोग दिखाए जैसे कि राइट एरो प्रेस करके आप लोग नोट का लेंथ कम और छोटा और बड़ा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वाला हमको लगता है अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही करना है, अगर अरेंजमेंट स्टार्ट करना है तो इसी से चालू करो और सिस्टमेटिक वे से चालू करो। ऐसा नहीं है एक क्वांटाइज में है एक क्वांटाइज में नहीं है, मतलब एक ही बार मेहनत करना है और एक ही बार मेहनत करके क्वालिटी एक लूप बनाना है जो लूप बार बार रिपीट होगा तो उसी से ही काम चालू होना चालू हो जाएगा एक्चुअली चालू हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग वीडियो कैसा लग रहा है उसका बारे में भी कॉमेंट करना। और दूसरा पॉइंट जो है जैसे कि अगर दूसरा कोई चैप्टर के ऊपर अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, बेसिकली प्लीज़ कॉल मत करिए, हमको मैसेज करके दे दीजिएगा, हम बोल देंगे मैसेज आंसर दे देंगे, मगर टाइम लगेगा, टाइम हमारा जब टाइम मिलेगा हम आंसर दे देंगे। और उसका साथ साथ जो रिक्वेस्टेड है आप लोग यूट्यूब में कमेंट करो, यूट्यूब में कमेंट करके हमको बोलिए इस टाइप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके वीडियो बना देंगे। जो लोग नया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो लिंक, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करिए अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।